हो गया। अस्सलाम वालेकुम। सैयद शेख तशरीफ फरमा ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहाद मुस्लिमीन के नेशनल हमारे स्पोक्स पर्सन बंगाल के प्रभारी जनाब असीम बकार साहब, फोन निकालो पहले तुम। कलकत्ता बंगाल के हमारे तमाम जिम्मेदारान फोन निकाल दो, यहाँ पर मौजूद फोन को पहुंचो। मेरे बुजुर्ग, मेरे दोस्त, फोन चालू है वो। मेरे भाई, आज का ये जलसा आपके अपने बंगाल में रखा गया, कलकत्ता में, और एक बात आज पता चली, जमात की मोहब्बत जो आपके दिलों में है, इसका जो आपने सबूत दिया कि इस गरीब बरसात में सब मेरे भाई बुजुर्ग यहाँ जो बैठे हैं, ये इस बात का सबूत है, ये इस बात का सबूत है, ये जमात की पक्की सच्ची मोहब्बत है। ये मोहब्बत होनी चाहिए अगर किसी भी चीज के लिए, इस मोहब्बत का एविडेंस है। क्या ऑन करना पड़ेगा? आज मेरा बंगाल का एक एक मेरा भाई चाहता है कि आप यहाँ बदलाव हो, अब बदलाव हो। इनका टाइम खत्म हो गया, अभी अपना टाइम, अभी अपना टाइम, ऐसा चिल्लाओ लाना है उनको अपना टाइम लाना पड़ेगा। आज देश के हालात तो आप तमाम के सामने है, आप सब देख रहे हैं देश में क्या हो रहा है। आपके अपने राज्य बंगाल का देख लो तो क्या हो रहा है, यहाँ पर भी झारखंड में आप देख लो क्या हो रहा है, क्या कहीं भी देखा गया ये है कि कुछ 50-100 मुस्लिम आते हैं, पूछते हैं तेरा नाम क्या है, अगर वो बंदा अपना नाम बोल रहे कि मेरा नाम पेनू खान है, या अगर वो बोल देंगे मेरा नाम तबरेज अंसारी है, तो ये 50-100 गीदड़ एक साथ आकर उसको इतना मारते हैं, मार मार के मार डालते हैं। ये देश के हालात आप तमाम के सामने है कि हमारे वो नाम में तासीर है कि अगर कोई हमारा नाम सुन ले तो चाहे फिर गाड़ी के नाम पे हो, चाहे चोरी के इल्जाम में पकड़ा हो, मगर ये मुस्लिम जो अपने आप को गौरक्षक कहते हैं, यहां कर एक ही काम करते हैं, बांट डालना। क्यों? कि तबरेज अंसारी मुसलमान थे, पहलू खान मुसलमान थे, आए पुलिस प्रशासन किसी की परवाह नहीं, आके मार कर। अरे मैं बोलता हूं, पूछना चाहता हूं, अगर वाकई में जिगरा है, वाकई में मर्द की औलाद है, तो आ जाओ वन बाय वन, दिखाएंगे पावर है, पावर। 150 आ गए, बोले बुजुर्ग आदमी को दाढ़ी वाला देख लिया, टोपी वाला देख लिया, पकड़ के मार गया। ये देश के हालात आज किसकी वजह से? क्योंकि जो सत्ता है सरकार में जाकर बैठी है, वो सत्ताओं ने उनको शय दिया है कि तुम जाओ अपनी जो आइडियोलॉजी, अपनी मानसिकता जो हिंदुत्व की, उसको आगे बढ़ाओ, डरो मत किसी से, जाओ मारो। और दूसरे जो अपोजिशन में बैठे हैं खामोश, हमारा वोट बैंक हिल जाएगा। अरे लात मारो ऐसी कुर्सी को जो मजलूमों के लिए आवाज उठाने में तुमको रोकती हो, लात मारो ऐसी कुर्सी को। ये लोगों ने तुमको चुनकर इक्तदार की कुर्सी पर बिठाया ताकि तुम उनकी आवाज बोलो, नहीं कि तुम्हारी वोट बैंक को पकड़ के रखो। अगर जमात का एमएलए को ऐसा कर लात मार देते इस कुर्सी को, नहीं, हम आए मजलूमों की आवाज बनकर, हम आए आपकी आवाज उठाने, हम आए आपकी लड़ाई लड़ने के लिए, हम आए आपकी लड़ाई लड़ने के लिए। यह है जमात का काम। मगर जो सत्ता में बैठे हैं किसकी वजह से? इनकी वजह से। ये आपका काम नहीं कर सके, ये आपकी हक की लड़ाई नहीं लड़ सके, ये आपका विकास नहीं कर सके, ये आपके डेवलपमेंट नहीं कर सके, ये आपके बच्चों को बड़ा पढ़ाई के इदारे नहीं दे सके। इनकी वजह से लोगों ने इनको धुतकारा फटकारा और सत्ता में लाकर बिठा दिया, और हमारे पास कोई ऑप्शन नहीं था उस वक्त। हम
टीएमसी को वोट नहीं देंगे, बीजेपी को वोट नहीं देंगे, कांग्रेस को दे दिए। कांग्रेस को नहीं देंगे, टीएमसी को दे देंगे, बीजेपी को नहीं देंगे। कोई हमारे पास अपनी खुद की ऐसी पार्टी या ऐसी जमात नहीं थी जो हमारे हक के लिए लड़े, जो हमारे हक बयान ही करे। मगर आपने खुद ने देखा कि इतने वर्षों में चाहे दादरी हो जाए, चाहे बाबरी हो जाए, शरीयत पे मदाखिलत की बात आ जाए, गौ रक्षकों के खिलाफ बोलने की बात आ जाए, मजलूमों पर अत्याचार की बात आ जाए, माइनॉरिटी और दलित भाइयों पर जुल्म की बात आ जाए, तो आवाज उठी तो आपके और हमारे कायद जनाब बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी जी आवाज उठी। आज एक ऑप्शन है आपके, ये लोग जो दो परसों में नहीं कर सके वो मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन करेंगे। और ये हम बोलते नहीं है, आज आपको लगेगा वारिस पठान आए कलकत्ता की सड़क पे खड़े रह के बोल दिया। अरे सबूत दिया आपके पास, सबूत दिया, चाहे आप पार्लियामेंट उठा लो, चाहे किसी टीवी के डिबेट को देख लो, चाहे आप सदस्य के ऊपर खड़े रहकर हमने आवाज उठाई कि नहीं मजलिमों, मुसलमानों और जो जुर्म हो रहा है, दलित भाइयों पर जुर्म हो रहा है, उसको रोकना चाहिए। हम भी इस देश में हकदार हैं, हमको पूरा हमारा हक मिलना चाहिए। हम यह किराएदार नहीं है, हम इस देश के हकदार। ये बात हमने रखी लोगों के सामने, आज एक ऑप्शन दिया लोगों को हमने, जिसका नतीजा ये हुआ कि जब 2014 में चुनाव आए महाराष्ट्र में, आप ही की तरह मेरे भाई और बुजुर्गों ने वहां दिल से मेहनत की, जमात को मोहब्बत दी और दो आमदान को चुनकर लाए। मुंबई जैसी जगह से, साउथ मुंबई, जो मुंबई की कहने वाली ना के भाईकुल्ला, वहां से आपकी दुआओं से, मेरी मां बहनों की दुआओं से, बुजुर्गों की दुआओं से मैं वहां से जीत कर आया। क्या बड़े बड़े डॉन खड़े हो गए थे, भाजपा के मंत्री खड़े हो गए थे, कांग्रेस के 3 MLA खड़े हो गए थे, ऐसी जगह से आपकी दुआओं से एक मजलिस से त्याग मुस्लिमीन का फर्स्ट टर्म लड़ने वाला आमदार चुन कर आता है। क्यों? उसकी वजह है, वजह है उसकी, वजह यह है कि वहां भी लोगों ने देखा था कि इतने वर्षों से हम वोट देते आ गए तमाम मुख्तलिफ पार्टियों को, कांग्रेस को दे दिया, राष्ट्रवादी को दे दिया हमने वोट, मगर कुछ काम नहीं हुआ। हमारा नियत ही नहीं थी इनकी हमारा काम करने की। चुनाव के पहले आए वोट मांगा, चुनाव होने के बाद क्या काम किया हमने? आज आजादी को 70 साल हो, इस आजादी के लिए हमारे बुजुर्गों ने अपनी जानें दी, शहीद हुए इस आजादी के लिए, मगर आज भी एम्पिरिकल डेटा है जो ये बताता है कि हमारे इस महान भारत देश में जो रहने वाला मेरा आज भी मुसलमान भाई और दलित भाई है, एक पिछड़ा हुआ वर्ग है, वो सोशली बैकवर्ड है, इकोनॉमिकली बैकवर्ड है, एजुकेशन वाइज बैकवर्ड है और पॉलिटिकली बैकवर्ड है। आज आपने खुद ने देखा कि पार्लियामेंट में, यहवान असेंबली में कितने मुसलमान नुमाइंदे भेजे गए बताओ। अरे अगर आप टिकट नहीं दोगे लड़ने के लिए, किसी को पॉलिटिकल एम्पावरमेंट नहीं करोगे तो हमारी आवाज कैसे पहुंचेगी? हमको भी अधिकार है, हमको भी हक है, हम भी हमारे बच्चों का भला चाहे, हम भी हमारे माशरे का भला चाहे, हम भी हमारे कौम का भला चाहे, यह अधिकार हमको भी है इस देश में कि हमने जाने गवाई है इस देश के लिए। नारे तकबीर, अगर नारे तकबीर, यह अधिकार हमसे छीना गया, आज भी हमको एक सेकेंड दर्जे का शहरी माना जाता, तो मैं यह पूछना चाहता हूं मिस्टर मोदी, इंडिया गेट पर जाके देख लो, असद साहब ने कहा ना उस दिन
90,000 नाम है तो हमारे कितने नाम है उसमें? 65%। और ये आरएसएस चड्डी के कितने नाम है? अरे ये तो थे भी नहीं आजादी की लड़ाई में, और आज आकर वारिस पठान को सिखा रहे नेशनलिज्म क्या है, सेक्युलरिज्म क्या है। आज सीखना है क्या अपने को इनसे? सिखाएंगे, बताएंगे, जताएंगे, दिखाएंगे हमने क्या किया। और ये तो ब्रिटिशरों के तलवे चाट रहे थे, ये आरएसएस आज हमको सिखा रहे नेशनलिज्म। 52 साल तिरंगे को अपने नागपुर के हेडक्वार्टर में नहीं ले रहा है ये आरएसएस। ये चड्डी जो भी बड़े हो गए पेंट पे आ गए, अच्छे से थोड़े थोड़े बड़े हो गए अपन आ गए। 52 साल तिरंगे को लहराया नहीं अपने नागपुर के हेडक्वार्टर पे, क्यों? अरे ये अशुभ कलर है, हमारा अशुभ कलर तो है सैफरन भगवा, और आज आप सिखाने बैठ गए हमको। ये नहीं, हमारा देश महान देश संविधान को मानता है साहब, वो संविधान जो हमको डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर ने दिया, वो संविधान जो हमको कायदे कानून का पालन करना सिखाता है, उस संविधान को हम मानने वाले लोग हैं। मगर आप रात और दिन इस संविधान की धज्जियां को उड़ा रहे हो, इस देश का जो सेक्युलरिज्म और प्लुरलिज्म है उसको आप पूरी तरह नष्ट कर रहे हो, इस देश को आप रिलीजन के नाम पर बांट रहे हो, टुकड़े कर रहे हो आप लोग, क्योंकि आपकी ये मानसिकता, आपकी ये पॉलिसी। इसी वजह से जो मैंने शुरू की थी बात, तभी मैंने कहा था कि ये गौ रक्षक जो है ये मोदी की शय में, मोदी की शरण में आकर आज लोगों को, बेगुनाह मुसलमानों को और दलितों को आए दिन रस्ते पर मार डाल। नया स्लोगन, पहले भारत माता की जय, अरे मैं नहीं बोला, आज भी नहीं बोलता, मेरे को निकाल दिया असेंबली से, चल निकल गया, कोई टेंशन नहीं, डर गया, डरते है क्या, डरते है क्या, ईमान वाला कुर्सी बड़ी, ईमान वाला कुर्सी बड़ी है, ईमान पे था ना, क्योंकि मजलिस से चार दिन मुस्लिम दीन का आम था, ईमान पे अपने हक की लड़ाई संविधान में लेते थे। मगर ये सरकारें आज भी अगर नहीं जागे, आज भी अगर हम लोग एक नहीं हुए, आज भी अगर हम मुत्तहिद नहीं हुए, इतिहाद पैदा नहीं किया, तो मेरे भाइयों बुजुर्गों दोस्तों वो दिन दूर नहीं कि हमारे को टोपी भी पहनने नहीं देंगे और उन पर दाढ़ी भी रखने नहीं देंगे। ये वो दिन आज जागना होगा, क्योंकि आज आप सबने देखा टेम्पल ऑफ डेमोक्रेसी जिसको बोलते हैं पार्लियामेंट, पार्लियामेंट में जिन एमपी को आपने चुनकर भेजा आपका काम करने के लिए, आपके मुद्दों पर बात रखने के लिए, आपका डेवलपमेंट की बात रखने के लिए, वो पार्लियामेंटेरियन जब एक मुसलमान एमपी हलफ लेने जाता है तो वहां पर क्या नारेबाजी होती है? जय सार, जय श्री राम ने, जय सार, बोलो भारत माता पे, बोलो ये। अरे तुमको वहां भेजा है नारेबाजी करने के लिए क्या? हाँ, नारेबाजी बाहर कर रहे हो, नारेबाजी अंदर कर रहे हो। ये नारेबाजी का इफेक्ट पूरे देश के रस्तों पे आज हो गया है मोदी जी, जिसके जिम्मेदार आप और आपके तमाम चुने हुए सांसद जो आज बैठे ये लोग, इनकी वजह से ये अंदर बोले, इनकी आवाज बाहर गई और बेकसूर तबरेज अंसारी को बांट डाला, इनकी आवाज बाहर गई, रस्ते पे रुका रुका के बेचारे हमारे टैक्सी वाले भाइयों को बुलाते बोलते जय श्री राम बोल, नहीं बोलता मारते। ये हो रहा है क्योंकि तुम्हारे चुने हुए नुमाइंदे, तुम्हारी आइडियोलॉजी वाले, तुम्हारी मानसिकता रखने वाले ये लोगों ने शुरू किया, और आज पूरा देश भुगत रहा है। और इतना ही नहीं, ये बात आज विदेशों में चले गई, यूनाइटेड नेशन जैसी जगह के ऊपर हमारे भारत का नाम खराब करने की कोशिश भाजपा और बजरंग दल वालों ने की, याद रखना इस बात को, भूल रहे कभी इसके नाम पे, क्योंकि मानसिकता इनकी है। देखो मैं खुद बोलना चाहता हूं, मेरी लड़ाई
मेरे हिंदू भाई बहनों से नहीं है, मुझे बहुत से हिंदू भाई बहन मेरे मिलते हैं कि वारिस भाई अभी नहीं चाहते कि इन लोग ये करें। हमारी लड़ाई उससे है जो ये मानसिकता रखते हैं कि हमारे महान देश को हिंदू राष्ट्र बनाए, हमारे महान देश में हिंदुत्व फैलाए। हमारी लड़ाई उनसे है और इंशाल्लाह जब तक हम जिंदा है उनको हिंदू राष्ट्र तो बनाने नहीं देंगे। मगर लड़ाई उनको रोकने के लिए आज आपके पास अपनी जमात मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन है। हमारे पास इन जैसे आतंकवादी नहीं है जो मालेगांव में ब्लास्ट किए, लोगों की जानें चले गई, फिर भी नरेंद्र मोदी ने उनको टिकट दिया, आज पार्लियामेंट में बिठा दिया। साध्वी प्रज्ञा की बात कर रहा हूं, वो महान जिसने हमारे देश का एक वरिष्ठ पुलिस ऑफिसर हेमंत सरकरे जो पाकिस्तानी आतंकवादी के साथ लड़ते हुए अपनी जान गंवा दिया, उसको ये बोला कि मैंने इसको शराब दिया। ऐसी औरत को नरेंद्र मोदी ने टिकट दिया और आज वो पार्लियामेंट में जाके एमपी बन के बैठी है। अगर यही हालत रही, ऐसे लोग जाकर बैठे तो सोचिए देश का क्या होगा। हम में तो ऐसे लोग नहीं है, हम तो बाकायदा कायदा कानून का पालन करने वाले लोग हैं। चलो नहीं, बारिश अल्लाह की रहमत अपने लिए। बारिश में भी लोग यहाँ बैठे थे, उनके ये हक और इंसाफ की लड़ाई के लिए आए, ये लोग संविधान को बचाने के लिए आए। जो मजलूमों की लड़ाई, मजलूमों दलितों की जो खिलाफ लोग लड़ रहे हैं, मार रहे हैं, पीट रहे हैं, उनको बचाने के लिए ये लोग आज यहाँ पर खड़े हुए हैं। ये हक की आवाज है, बताओ लोगों को ये हक की आवाज है। अगर अब हम नहीं जागे तो आगे इसी तरह के लोग जाते रहेंगे, पार्लियामेंट में जाएंगे, बलदिया में जाएंगे, असेंबली में जाएंगे और इसी तरह से हमारे और आपके आने वाली पीढ़ी दर पीढ़ी के साथ भी अन्याय और अत्याचार होता रहेगा। मेरे दोस्तों बुजुर्गों, आज हमको ये सोचना है कि आगे भी इसी तरह रहना है हमको, जो इतने वर्षों से हम गुजरते आए, क्या आगे भी इसी तरह हमको अत्याचार फेस करना है, जुल्म फेस करना है, या हमको भी हक के साथ सर उठाकर हमारे इस देश में जीना है। अगर यह करना है तो भाइयों, आप तमाम को मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन का साथ देना होगा, बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी का साथ देना होगा, क्योंकि देश में देखा यह गया है, कादरी पर बोले ओवैसी, बाबरी पर बोले ओवैसी, ट्रिपल तलाक पे बोले ओवैसी, पहलू खान पे बोले ओवैसी, कपड़े पर बोले ओवैसी, चरियत पे मदा गलत बोले ओवैसी, दलितों पे अत्याचार हुआ बोले ओवैसी, तो फिर वोट भी ओवैसी को क्यों नहीं? अत्याचारी ओवैसी तो टीएमसी ममता दी फिर मोरो था बाबू मोशन, फिर वोट भी ओवैसी को मिलेगा। याद रखो, हक के लिए जो लड़ेगा आवाम उसके साथ रहेगी, और मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन का काम है हक की लड़ाई लड़ना, आपकी लड़ाई लड़ना। बारिश आ रही है, बोलना बहुत सारी चीजें मैं चाहता था, बहुत सारे एक घंटे का भाषण लिखा, बोलेंगे चाय वाले पे भी जाएंगे, ममता दीदी पे भी जाएंगे, सबका वन बाय वन नंबर लगाएंगे। क्योंकि मुझे बताया जा रहा है कि जब से मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन ने बंगाल में कदम रखा है,
ये खुद वफाद परस पार्टियों की नींदें हो गई। नींद खराब हो गई। जहां जहां उनको पता चलता है कि मंदिर से क्या दिन मुस्लिम आ रही है, अब ये लोग हक की बात करेंगे, लोगों को समझाएंगे और लोगों को बिल्कुल समझ में आएगा कि वाकई में हमारे साथ अन्याय अत्याचार हुआ है, वो बैरिस्टर सदुद्दीन ओवैसी के साथ जाने की बात करेंगे तो इनकी जो गंदी सियासत है उसकी नैया डूबने वाली है। तो क्या किया इन्होंने? कल भी हमने बंद हॉल लिया था। मेरी जानकारी के मुताबिक आज जो मीटिंग है ये एक बंद हॉल में होने वाली थी, मगर दीदी ने उस हॉल को पहले बुक करके सब कैंसिल कर दिया। वाह दीदी वाह, क्या दीदी ऐसा कर दिया हमारे साथ। अरे हमको लड़ने दो ना, आप में ताकत नहीं है भाजपा से लड़ने की, आप लोग में ताकत नहीं है इनको हराने की, हम में ताकत है। 28 दिन में औरंगाबाद में लड़े, पार्टी का एमपी को उसके घर भेज दिया। अगर एक साल पहले यह तैयारी कर लिए तो क्या होगा ममता जी, समझ लो। अरे ये तो उनकी घबराहट और घबराहट है कि किसी भी तरह मजलिस को आगे मत दो, लेकिन नहीं जाएंगे। अरे डरने और घबराने वाले का नाम मंदिर सरकार, शेरों की जमात है, गए वो दिन गए, जाना पकड़ लेंगे, जेल को डालेंगे डालो, कोई डर नहीं है, कोई टेंशन नहीं है, आप हाथ बयानी होगी, आपकी लड़ाई होगी, विकास होगा, समाज आगे बढ़ेगी, हम सब साथ में लेकर बंगाल का विकास करेंगे। ये सुन लो दीदी, आप हॉल बुक करके बंद कर सकते हो लेकिन हमारी आवाज को आप बंद नहीं कर सकते, याद रखो ये बात। डराना घबराना नहीं हमको, बीजेपी लिए डर के आ जाएंगे, लड़ेंगे, देखा ना हमारी ताकत। 28 दिन में पाटम के एमपी को उसके गांव भेज दिया, उनके घर में घुस के, अगर यहां आ गए तो क्या होगा यही सोचे, कभी हॉल नहीं दे रहे, कभी बोले केस करेंगे, घरों केस हॉल मत दो, क्या खड़े हो जाएंगे मजलिस से क्या दूर उसके मिल के सिपाही, इंशाल्लाह इसी तरह मेरे भाई वापस जमा हो जाए। आपकी लड़ाई लड़ने आए हम लोग, तो मेरे भाइयों बुजुर्गों दोस्तों, अरे दिल्ली तक तो अभी आवाज पहुंचाना बाकी है, अभी थोड़ा बंगाल तक हूँ, 5-10 मिनट जाने दे, दिल्ली का भी कनेक्शन आता है आप लोगों को, अरे दिल्ली तक तो आवाज जाना ही चाहिए ना। जब मोदी ने उठा के आतंकवादियों को दिल्ली के पार्लियामेंट में भेज दिया तो क्या हम कोई शरीफ इंसान को हमें से लेकर नहीं भेज सकते क्या पार्लियामेंट? वो ही करना है अब बंगाल, हम भी नुमाइंदे लड़ाएंगे इंशाल्लाह, सदर साहब डिसाइड करेंगे बंगाल में कब चुनाव लड़ना, किस तरह लड़ना, और इंशाल्लाह इसी तरह लड़ेंगे कि इनको दिखाएंगे चुनाव क्या होता है और जीत क्या होती है और हक की लड़ाई किसको बोला जाता है ये दिखाएंगे। जज्बा रखना, जज्बा, डरना नहीं। मैं अपने बुजुर्गों से बोलना चाहता हूँ, ये 50-100 आ जाए डरना नहीं, अपने पास ताकत है, कलमे की ताकत है, ये कलवा है ना, ये 100 को पछाड़ के फेंक सकता है, याद रखो, तोड़ा सकता है तुमको यहां से वहां तक, मगर हम तुम्हारी तरफ बुस्तिल और जीतल नहीं के छून में आगे, मर्दों के माफी जिए, मर्दों के माफी बढ़ते हैं, ये सियासत बंद कर दो, ये मारना काटना गांव के नाम पर चोरी कर दिया, मारना काटना बंद करो, कि मुसलमान डरता नहीं लेकिन वो हमारे संविधान को लेकर चल रहे, हम हमारे देश में सांप्रदायिक तनाव फैलाना नहीं चाहते, हम हमारे देश में एकता रखना चाहते, मगर ये मत समझो मोदी कि तुम हमको इस देश का किराएदार समझोगे, नहीं नहीं नहीं,
हम इस देश का हिस्सेदार हैं। जितना अधिकार इस देश पर नरेंद्र मोदी का है, उतना अधिकार इस देश के वारिस पठान का भी है और वे हर एक बंगाल के भाई का भी है यार। तो तुम ये नहीं सोचना डर जाएंगे, घबर जाएंगे, डराओ डराओ। अरे हम आप ही करते हैं तो हो जाते हैं पकड़ा, ये कत्ल भी करते हैं तो चर्चा नहीं होता। ये यही हो रहा है। कुछ मासूम बच्चों ने दादरी के ऊपर बोल दिया, तबरेज अंसारी के ऊपर बोल दिया वीडियो निकालकर टिकटॉक। आपके हमारी तरह बेचारे छोटे छोटे बच्चे दे दिया, कमाते थे, ईमानदारी के साथ मेहनत रोटी खाते थे। तबरेज अंसारी पर बोला, उठा के केस कर दिया। मैं सुबह से रात तक बोलता था, बोलता हूँ, बोलता रहूंगा। मोदी के खिलाफ बोलता था, बोलता हूँ, बोलता रहूंगा। पाखे तो उठा के डाल दो अंदर। करेंगे क्या अपुन? जेल तो बनी है मर्दों के लिए, घबराने के दिन चले गए। लिहाजा आज इतना ही मैं आप लोग से रिक्वेस्ट करूंगा कि हमारी बंगाल में काफी मेहनत चल रही है। अल्हम्दुलिल्लाह हमारे पार्टी के नेशनल स्पोक्स पर्सन और बंगाल के प्रभारी जनाब असीम मकार साहब और उनकी टीम बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। आप तमाम जुड़िए उनके साथ, मेहनत करिए, जो पार्टी की लाइन है उस पार्टी को लेकर चलिए, जो पार्टी का प्रोटोकॉल है उस प्रोटोकॉल को फॉलो करिए। इंशाल्लाह आगामी चुनाव में पार्टी डिसाइड करेगी किस तरह से लड़ना, क्या लड़ना, लेकिन चुनाव हो चुनाव नहीं हो, मजलिस से त्याग मुस्तवी आपके बीच थी है और हमेशा रहेगी। आज और मेरी जानकारी के मुताबिक यहाँ के काफी लोग मुंबई में है, बेचारे काम काज में अपनी रोजी के खातिर आए, अपने परिवार को लेकर आए। तो मैं आपके माध्यम से उन तक एक मैसेज पहुंचाना चाहता हूं कि मेरे भाइयों दोस्तों, आप लोगों को जहां कहीं भी महाराष्ट्र या मुंबई में किसी चीज के लिए कोई काम हो तो बिना झिझक आपने इस मजलिस के गुलाम को याद जरूर कर लेना वहां पर कहीं, क्योंकि मैं नहीं बोला वारिस पठान आके गया कलकत्ता में बुन के चला गया, नहीं नहीं, काम अवर वर्क इज अवर आइडेंटिटी, हम हमारी काम की वजह से पहचान, हमारा काम ही हमारी पहचान है। जहां कहीं भी होंगे मेरे बंगाल का भाई आवाज दे देगा, इंशाल्लाह पहुंच जाएगा वारिस पठान की बात। जितना हक मेरा है आपके ऊपर उतना ही हक आपका भी मेरे ऊपर। मैं मेरे हक से मेरे बंगाल के भाई को बोल सकता हूं कि मेरे भाइयों वक्त आ गया है, इतिहास पैदा करो, मुतहिद हो जाओ, एक हो जाओ, वरना ये फिरका परस्त ताकतें आपको हमको चैन से सुकून से जीने नहीं देगी, याद रखना इस बात। अरे सब आएंगे, अभी तो इनका आया है तूफान आने बाकी है, तूफान की आहटी अलग होती है, आपने तो देखा है, जहां जहां सदर साहब जाते हैं वहां क्या होता है, नींद उड़ गई, चैन उड़ गया, मूड खराब हो गया, होगा इतने साल जो गरीबों का खून चूसा है उसका एक एक खून का बदला लेके जा रहा, छोड़ेंगे नहीं। ज्यादा कुछ नहीं कहते हुए अभी हम सब बैठे हुए हैं असीम मकार साहब को सुनने के लिए। अरे तो गरीबों पे जुलूम हो रहा है ना, कई बार आप इनके खिलाफ बोल दिए पकड़ के डाल देते, मगर वो देखते हैं, अरे नहीं ये छोटा है इसको डाल, मेरे को डाल के दिखा रहा, मैं तो रोज बोलता हूँ टीवी पे, डेली बोलता, डेली। मुझे संविधान ने अधिकार दिया, ये अधिकार मुझसे नरेंद्र मोदी नहीं छीन सकता, उनको मालूम है, बोलूंगा मैं। इतने साल बर्दाश्त किया, वो गीदर हक्की खा के चुप बैठ गए लोग, हम उसमें से नहीं है, हम लोग जिगर वाले हैं, बिंदास बोलते थे, बिंदास बोलते थे, डरने वाले नहीं है, डरने के दिन चले गए। आजादी के हम बड़े हिस्सेदार हैं इस देश में, इंडिया गेट पर जाके देख लो, तुम्हारी तरह नहीं तो क्यों हमारी आवाजों को दबाने की साजिश की जा रही है,
मासूम बच्चों को उठा के जेलों के पीछे डालने की साजिश क्यों जा रही है? क्या लगता है तुम्हें? ऐसा बोलोगे हम चुप बैठ जाएंगे? नहीं बोलेंगे, चुप बोलो। अरे आवाज नहीं उठाएंगे, डर जाएंगे क्या? घर में बैठ जाएंगे? तुम रस्ते में गाड़ियां रुका रुका के टैक्सी वाले को उतार उतार के बोलोगे जय श्री राम बोलो नहीं तो मारेंगे, जय श्री राम बोलो नहीं तो मारेंगे। तो क्या मार खा रहे? मार मार नहीं खा रहे वाले जवाब देंगे। अरे क्या हम लोग किसी को उतार के बोलते अल्लाह ऊपर बोल? नहीं बोलते रे। इसका मतलब ये नहीं कि हम लोग डरते हैं। ममता जी, मोदी जी, ये मत गल पे खा नहीं मेरे ना, डरते नहीं। अगर संविधान को मान के संविधान में रहकर अपना हक करते हैं, डरने घबराने का नाम नहीं है मोदी से क्या तुम पूछते हुए? डरता तो यह नहीं होता। हॉल बुक कर दिया, हॉल बंद कर दिया, बारिश आई सोचे नहीं आएंगे, मगर देखो हजारों की तादाद में लोग आ गए आराम से। हक की लड़ाई, हक की लड़ाई लड़ना है, आगे बढ़ना है, मान मर्यादा में रहकर संविधान को मानते हो। अब जाते जाते वो नारा लगा, यहाँ तो सुन लिया लोगों ने, मैं समझता हूँ पूरा पूरा पहुंच गया ममता जी तक बात। दिल्ली 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 हिलना चाहिए ना, देश भर में अपना भी नारा गूंजना चाहिए ना, तो अपनी भी ताकत दिखाएंगे ना, तो लगाएंगे ना मेरे साथ अपने वाला नारा।